अगर आपकी दाढ़ी भी नहीं आ रही है, दाढ़ी उगी नहीं रही, और आपको यही जानना है कि भाई क्यों नहीं आ रही है, बाकी लोगों के क्यों आ रही, मेरे ही क्यों नहीं आ रही है, ऐसा मेरे अंदर क्या है, ऐसा मैं कौन सी गलतियां कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे दाढ़ी के बाल बढ़ नहीं रहे, आ ही नहीं रहे, तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए अगर आप वाकई में दाढ़ी को लेकर सीरियस हो और आप जानना चाहते हो तो आपको दाढ़ी कैसे उगाना है या फिर दाढ़ी क्यों नहीं आती, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दाढ़ी और मूंछ क्यों नहीं आती है, दाढ़ी मूंछ नहीं आने का क्या रीज़न होता है, क्या कारण होता है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपकी भी दाढ़ी नहीं आ रही है, मूंछ नहीं आ रही है, और आप ये जानना चाहते हैं क्यों नहीं आ रही है, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है दाढ़ी ग्रोथ नहीं होने का या दाढ़ी नहीं आने का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल, जो आपके अंदर के हार्मोन्स जो रहते हैं वो अगर कम हो जाते हैं तो आपकी बियर्ड की प्रॉब्लम सामने आती है, दाढ़ी नहीं आती है, प्रॉपर नहीं आती, या तो सीधी रह जाती है, या फिर दाढ़ी बाल पतले रह जाते हैं, या फिर दाढ़ी जो है वो बहुत छोटी रह जाती है, पर आती नहीं, एक भी बाल नहीं आते, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो हम जानेंगे कि हार्मोन्स लेवल क्यों कम हो जाते हैं। अगर आपके भी हार्मोन्स लेवल 300 से 1000 के बीच में, तो आपकी दाढ़ी 101% ग्रोथ हो जाएगी, 100% आपकी बियर्ड आ जाएगी। लेकिन अगर 300 से कम है या फिर 1000 से ज़्यादा है, तो आपकी बियर्ड की प्रॉब्लम्स आपके सामने आएगी, 101% आएगी। तो हम जानेंगे जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल है वो क्यों कम हो जाता है। सबसे बड़ा रीज़न होता है इसका, आप मैस्टरबेट बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हो, यानी आप हिंदी लैंग्वेज में हिलाते बहुत ज़्यादा हो, जिसके रीज़न से आपकी जो बॉडी है वो वीक हो रही है, आपके हार्मोन्स लेवल लो हो रहे हैं, आपके अंदर कमजोरी आ रही है, जिसके रीज़न से आपकी वेट की या दाढ़ी के बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, वहाँ तक ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, इतना आप में ब्लड है ही नहीं जितना दाढ़ी के बालों को चाहिए होता है। ये हो गया पहला रीज़न। सेकेंड होता है, आप या तो ड्रिंक करते हो, या फिर स्मोक करते हो, या फिर तंबाकू गुटखा खाते हो, ये आपके हार्मोन्स लेवल कम होने के रीज़न होते हैं। और अगर आप मैस्टरबेट से भी अलग डिप्रेशन में हो, चाहे वो मैस्टरबेट का रीज़न हो, चाहे आप किसी भी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम में हो, यानी डिप्रेशन मतलब तनाव, अगर आप तनाव में हो तो आपके हार्मोन्स लेवल कम होते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप जो भी खाएंगे पिएंगे वो आपको नहीं लगेगा, आप चाहे कितना भी महंगा महंगा सप्लीमेंट्स खाए लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप अच्छा वर्कआउट, यानी अच्छा क्या, आप वर्कआउट ही नहीं करते हो, जिम नहीं जाते हो, होम वर्कआउट नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो उससे भी आपके हार्मोन्स लेवल इंक्रीज नहीं होते, कम हो जाते हैं जब आप कुछ नहीं करते हो। ये रीज़न होता है। एक होता है अच्छी डाइट नहीं लेना, जो आप दिन भर का जो भी खाना खाते हो अगर वो आपकी बॉडी को नहीं लग रहा है तो आपकी दाढ़ी ग्रोथ नहीं होगी, ये रीज़न होता है। फिर जो नेक्स्ट होता है, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हो आपकी दाढ़ी पर जिससे कि आपकी बियर्ड ग्रोथ हो जाए। तो अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी फेस कर रहे हो, आपकी दाढ़ी नहीं आ रही, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स है, या तो आपको ओमेगा 3 कैप्सूल, जो कि आपको मेडिकल पर आराम से मिल जाएगा, अगर आप ओमेगा 3 कैप्सूल खाएंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल तुरंत इंक्रीज हो जाएगा और 1 से 2 महीने में आपका जो हार्मोन्स है वो बैलेंस हो जाएगा, जिसके बाद से आपकी बियर्ड ग्रोथ होने लग जाएगी। 1 महीने बाद से बियर्ड ग्रोथ होने लगेगी, ना कि हाल साल ही होने लगेगी, क्योंकि जो आपके हार्मोन्स है तब तक वो बैलेंस नहीं होंगे जब तक वो आपकी दाढ़ी के बालों ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। एक होता है एबीएम 400 विटामिन ई कैप्सूल, बेस्ट कैप्सूल होता है हार्मोन्स को इंक्रीज करने के लिए। तो आप इन दो में से एक को भी खाओगे तो आपकी बियर्ड डेफिनेटली ग्रोथ हो जाएगी, अगर आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स है तो। लेकिन दाढ़ी नहीं आने का सबसे बड़ा रीज़न आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल होता है, जो कि कम हो जाता है तो आपको दाढ़ी की प्रॉब्लम सामने आती है। आई होप इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपको क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल इंक्रीज हो। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन।